अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बकरीद स्पेशल मटन चाप फ्राई की रेसिपी, और ये बहुत ही यमी और मज़ेदार बन करके तैयार होगी। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसे किस प्रोसेस से हमें तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने 1.5 kg मटन चाप ले लिया है और इसे हमने गोश्त के साथ लिया है। इसे हमें पहले बॉयल कर लेना है। तो इसमें हमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी, और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे बॉईल कर देंगे। बहुत ज़रा सा पानी ऐड करना है क्योंकि ये वाटर खुद भी रिलीज़ करता है। तो अब हम यहाँ पे इसे गैस फ्लेम पर रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने हाई फ्लेम पर इसे रख दिया है। जब प्रेशर आने लगेगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट इसे हम बॉयल कर लेंगे। उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ मसाले लेने हैं। जब तक मटन की चाप जो है वो बॉयल्ड हो रही है तब तक यहाँ पे हम कुछ मसाले इकट्ठा कर लेते हैं मैरिनेशन के लिए। तो यहाँ पे हमें लेना है 2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जो है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर भर करके लेंगे। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो और भी ऐड कर सकते हैं। 2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर, 3 टीस्पून रोस्टेड धनिया पाउडर, इसको हमने रोस्ट कर लिया है, और 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, इसे भी रोस्ट कर लिया है, 3 टीस्पून कसूरी मेथी, इसे भी हमने रोस्ट कर लिया है, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे चने का बेसन, इसको भी हमने रोस्ट कर लिया है। तो हमने लिया है चने का बेसन 3 टेबल स्पून, 2 टीस्पून चाट मसाला, 1 कप दही ऐड करेंगे यानी कि 250 ग्राम, 1 लेमन जूस, और 1 पिंच जो है फूड कलर यहाँ पे हम ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसे मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन। तो अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हमने मसाले को मिक्स कर लिया है, इसे हम साइड पर रख देते हैं और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं चाप को। तो प्रेशर जो है इसमें से रिलीज़ हो चुका है, अब हम इसे खोल करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें पानी है, तो हमें पहले मसाले को मिक्स कर लेना है। इसमें जो अदरक लहसुन हमने डाला था उसे हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें जो पानी दिख रहा है उसे हम स्ट्रेन कर लेंगे, या तो हम फेंक देंगे या तो फिर आप ड्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पानी को छान लिया है और पानी को अलग कर दिया क्योंकि इसका कोई भी काम नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे जो मैरिनेशन के लिए मसाला लिया है उसमें चाप को ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। पूरे अच्छे से मसाले में कवर हो जाना चाहिए ये। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर लिया है। इसे कम से कम 2 घंटे के लिए हम कवर करके फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे बाद इसे हमने फ्रिज से निकाल लिया है। तो यहाँ पे जो है अब हमें इसे फ्राई करना है। तो बढ़ते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। यहाँ पे हमने देखिए एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। और इसे हमने हीट करके फ्लेम को लो कर दिया है क्योंकि हमें एकदम गर्म तेल में नहीं डालना है, नहीं तो फिर वो जल जाएगा। तो हमने लो फ्लेम पर इसे पहले फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट के बीच में, और हमें इसे बिल्कुल भी 2 मिनट तक टच नहीं करना है, नहीं तो इसकी कोटिंग जो है उतर जाएगी। तो इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 मिनट तक फ्राई होने देते हैं हम इसी तरह से। देखिए 2 मिनट बाद जो है इसका टेक्सचर जो है ये फ्राई हो चुका है एक साइड से। तो अब हम धीरे धीरे करके इसके साइड को चेंज करेंगे और दूसरे साइड से भी हम 2 मिनट तक इसे फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो 2 मिनट बाद देखें यहाँ पे ये फ्राई हो चुका है, तो हमें इसे थोड़ा सा क्रिस्पी करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर फ्लेम को हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब 1 मिनट बाद देखें यहाँ पे इसका टेक्सचर एकदम परफेक्टली ये जो है फ्राई हो चुका है और ये बहुत ही क्रिस्पी हुआ है। तो हम इसे निकाल लेते हैं और ये बहुत ही मज़े का बन करके तैयार हुआ है। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बन करके तैयार होगा। हम इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है मटन चाप फ्राई बन करके तैयार है। इसी प्रोसेस से आपको सारे जो है चाप को फ्राई कर लेना है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार क्रंची स्पाइसी जो है मटन चाप फ्राई जो है बन करके तैयार है। तो इसको हम आपको नज़दीक से भी दिखा देते हैं। इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है यहाँ पे देखें आप, और बहुत ही मज़े की बन करके तैयार हुई है। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी बन करके तैयार होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए भी ना मत जाइएगा।